भदोही से नेहाल अली पत्रकार की खास रिपोर्ट। राज्य मंत्री स्वतंत्र ने करेतर एवं राजस्व वसूली कानून व्यवस्था के प्रगति के बारे में बैठक कर विस्तृत जानकारी ली। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, राज्य मंत्री कारगर श्री सुरेश राही, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि श्री दयाशंकर मिश्र जी के द्वारा कलेक्टरेट सभागार में बैठक कर शासन की प्राथमिकता वाले विकास परक कार्यक्रमों कर करेतर एवं राजस्व वसूली कानून व्यवस्था के प्रगति के बारे में बैठक कर विस्तृत जानकारी ली। बैठक में विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, विधायक और आई दीनानाथ भास्कर, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, पुलिस महानिरीक्षक श्री आर के भारद्वाज, जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त श्री सुरेश चंद्र मिश्र, अपर जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश भारती आदि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा जनपद में संचालित विकास परक योजनाओं एवं राजस्व वसूली के प्रगति के बारे में बिंदुवार जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण व रोजगार सृजन की पहल में मोरवा नदी जीर्णोद्धार, बायोफ्लॉक निधि से मत्स्य पालन नवाचार, कारपेट एक्सपो, मार्ट ऊन प्रोसेसिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर, हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, कृषि उत्पादन संगठन पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सत्र में 100% वसूली प्राप्त कर ली गई है। भू माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही में 27 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष 23 पर कार्यवाही की किया गया। शेष अवशेष 4 मामले विभिन्न न्यायालय में लंबित होने के कारण विचाराधीन है। 030 हेक्टेयर जमीनों को कब्जा से मुक्त कराया गया है, शेष पर कार्यवाही की जा रही है। अवैध खन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ओवरलोडिंग तथा अवैध खन के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। 79 लाख जुर्माना की राशि भी वसूली गई है। विद्युत बिलों की वसूली के बारे में बताया गया कि शासकीय कार्यालयों में बकाया विद्युत बिलों को जमा कराया गया है। अधिकांश विभागों में बजट उपलब्ध न होने के कारण बजट अवमुक्त करने हेतु उनके मुख्यालय को पत्राचार किया गया है। लोक निर्माण विभाग के बारे में बताया कि 52 सड़कों के सापेक्ष 40 प्रगति है, जो कम है, परंतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 100% कार्य कराकर भुगतान की कार्यवाही भी कर दी गई है। सेतु निगम की समीक्षा में 14 छोटे बड़े पुल लक्ष्य के सापेक्ष 4 पूर्ण किए गए हैं। बैठक में किसान सम्मान निधि के बारे में बताया गया कि आधार भी स्पेमित किया जा रहा है। अभियान चलाकर सत्यापन भी कराया जा रहा है कि मृतक व अपात्र लाभार्थियों को हटाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए। गो आश्रय स्थल के बारे में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सहभागिता योजना के अंतर्गत 1146 लक्ष्य के सापेक्ष 930 दुधारू गायों को कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को तथा अन्य लोगों को दिया गया है। प्रधानमंत्री गोल्डन कार्ड की प्रगति संतोषजनक नहीं बताया गया कि जिलाधिकारी ने कहा कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया है, जल्द ही प्रगति प्राप्त कर ली जाएगी। जिलाधिकारी ने दवाया बाहर से लिखने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया कि जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के 226 पंचायत भवनों का सौंदर्यीकरण कराया गया। बैठक में राज्य वित्त आयोग, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आवास शहरी तथा ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, उद्यान विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सामूहिक विवाह, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, स्कूल चलो अभियान आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत 92 लाभार्थियों का आधार लिंक करा लिया गया है, जिसके माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में बताया गया कि 7,197 के सापेक्ष 6,498 पूर्ण करा लिए गए हैं। बैठक में एनआरएलएम मनरेगा की भी समीक्षा की गई। मंत्री जी के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा योजनाओं का समय से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक योजनाओं को वृहद प्रचार प्रसार विभागीय अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जानकारी दी जाए, ताकि वे योजना का लाभ पा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। आईजीआर तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों को समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।